बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु वइय्याका नस्ताईन अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको बूंदी के लड्डू बनाना सिखाऊंगी। मैंने 4 किलो जो है ये बेसन लिया है, और ये बेसन जो है मोटा है, इसको मैंने छान लिया है। और 1 किलो जो है मैंने मैदा लिया है, इसमें डाल दूंगी अब मैं। आज मेरी चीजें ज्यादा है इसलिए बर्तन मैंने बड़े लिए हैं। इन दोनों को मिक्स करेंगे। ऑयल जो है मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ है। इनको अच्छी तरह हमने दोनों को मिक्स कर लेना है आपस में, और जब ये मिक्स हो जाए तो फिर इसमें हम पानी डाल देंगे। अब ये हमारा मिक्स हो गया है, अब इसमें हम जो है पानी डालेंगे। हमने इसको जो है पतला रखना है, लेकिन पहले हम जो है पानी कम डालेंगे ताकि ये गुठलिए ना बने। आप चाहे तो हाथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जितने पानी की जरूरत पड़ती जाए उतना पानी डालते जाए। इसको 3 जग जो है पानी लग गया है। हमने इसको इतना पतला करना है कि खुद ब खुद ही नीचे टपकना शुरू हो जाए। इंशाल्लाह ये बहुत मजे के बनेंगे। ऐसा आपने बेसन जो खुद ब खुद ही टपकता जाए वैसा मिक्स करना है। अब ये मिक्स हो गया है। अब हमने इसके 3 कलर बनाने हैं। उसके लिए जो है मैं इसको अलहदा करूँगी। अब जो हमने 3 कलर बनाने हैं, 1 कलर मैं रेड बनाऊंगी, उसके लिए भी ये मटेरियल थोड़ा अलग करूंगी। आपको जितने ज़्यादा कलर पसंद हो उतने कलर बना सकते हैं, यानी कि एक ही कलर पसंद है तो 1 कलर के बना लें। 1/2 चम्मच जो है मैंने येलो कलर लिया है ये इसमें डालूंगी, और थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी और इसको मिक्स करूँगी। अब ये कलर हमारा मिक्स हो गया है, ऑयल हमारा गर्म है। अब इसमें हम ग्रीन कलर मिक्स करेंगे, थोड़ा पानी डाल देंगे इस पर भी, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि आपका कलर कम है तो आप और डाल सकते हैं। इस तरह कलर डाल के आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। अब इसमें हम रेड कलर डालेंगे, थोड़ा पानी डाल देंगे। अब कलर हमारे सारे मिक्स हो गए हैं। अब हम जो है इस तरह की छाननी लेंगे। आप चाहें तो इससे बारीक भी ले सकते हैं, ठीक है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारा ऑयल जो है गर्म हो गया है, इसमें हम डालना शुरू करेंगे। इसमें ऐसे करके डालेंगे हम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ऐसे करके इस तरह आपने डालते जाना है, और सारे बेसन की इस तरह बूंदियाँ बना लेनी है। अब इसको हम हिलाएंगे इस तरह। आप चाहे तो बारीक भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं बूंदी वाले लड्डू बना रही हूँ इसलिए ये जरा थोड़ी मोटी हैं, इनको क्रिस्पी होना चाहिए। ये देखें इसकी आवाज़ आ रही है। अब इसको हम निकाल लेंगे, सारी बूंदी को ऐसे करके आपने निकाल लेना है। इस तरह ऑयल भी सारा निकाल लेना है आपने। ये देखें कैसी क्रिस्पी हैं। इसी तरह आपने सारी बूंदी को बनाना है। अब मज़ीद हम इसमें डालेंगे। अब इसी तरह मैं सारी बूंदी बनाकर बाद में आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह ये हमारी बूंदी जो है तैयार हो गई है। ये देखें ये कलर्स वाली भी तैयार हो गई है। सारी बूंदी हमने तैयार करके रख ली है। ये हमने जो थे टोटल 5 किलो चीज़ें ली थी, यानी कि 4 किलो हमने बेसन लिया था और 1 किलो हमने मैदा लिया था। अब जो है 5 किलो ही हम चीनी लेंगे। ये मैंने देचके में डाल दी है, और अब चूल्हा ऑन करेंगे। चूल्हा हमने चला दिया है। अब 1 कप जो है मैंने अरके गुलाब लिया है, ये मैं इसमें डाल दूंगी चीनी में। 2 जग में इसमें पानी डालूंगी। इस तरह लाचियां आपने ले लेनी है, जितनी आपको पसंद हो। खुशबू के लिए ये डाल देंगे इसमें, मैंने थोड़ी सी कूट ली थी। आप चाहें तो लाची का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसको हम जो है तब तक पकाएंगे जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाएगी। बिस्मिल्लाह ये देखिए हमारी चीनी जो है मेल्ट हो गई है। ये देखें 1 पाव मैंने काजू लिए हैं, ये इसमें डाल दूंगी।
एक पाव मैंने चार मग्स लिए हैं, ये डाल दूंगी इसमें, मैंने वॉश किए थे। और ये कुछ मैंने बादाम और पिस्ता लिया है, ये सारे डाल दूंगी इसमें। अब इनको मैं मिक्स कर दूंगी। ये पहले सारी मैंने चीज़ें इसलिए डाली हैं ताकि ये थोड़ी नरम हो जाएं। जो बूढ़े होते हैं उनसे ज़्यादा सख्त चीज़ें खाई नहीं जाती। अब हम सारी बूंदी को डालेंगे इसमें। बिस्मिल्लाह, थोड़ी थोड़ी ऐसे करके आपने डाल लेनी है। ये देखिए माशाल्लाह। ये मैं ज़्यादा लड्डू इसलिए बना रही हूँ, मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं तो हमने उनको गिफ्ट भेजने हैं, तो इसलिए मैं उनके लिए बना रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह। तो मैं मिक्स करूँगी, सारे को मिक्स करना है आपने इस तरह। और अब ये बारी है इसकी, कलर्स वाले की। ये भी डालेंगे इसमें सारी को, ताकि ये भी मिक्स हो जाए। अब इसको हम सारी को मिक्स करेंगे। ये देखें माशाल्लाह, हमारे लड्डू बहुत मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। आपने इस तरह सारे मिक्स कर देना है और इसको हम 15 मिनट के लिए इस तरह पकाएंगे, ताकि ये चानी जो है सारे में जज़ब हो जाए। आपने इस तरह आराम से इसको हला लेना है। अब इसको हम ढाँप के रखेंगे, पकने के लिए इसको छोड़ देंगे। माशाल्लाह, ये देखें हमारी बूंदी जो है, ये देखें इस तरह ये पक गई है। आपने इस तरह इसको 15 मिनट पकाना है, ताकि ये सारी बूंदी जो है गल जाए, के अंदर अच्छी तरह चीनी जो है जज़ब हो जाए। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जो इसके अंदर हमने अरके गुलाब डाला है उसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब ये देखें, इतनी देर हमने इस तरह पका लेना है। ये देखें, ये बिल्कुल गल गया है, सीरा इसके अंदर चला गया है, जज़ब हो गया है। अब इसको हम 10 से 15 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, बाद में इसके लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। चूल्हा हम बंद कर देंगे। बिस्मिल्लाह, अब ये देखें ये ठंडा हो गया है। अब इसके हम जो है लड्डू बनाना शुरू करेंगे। आपको जितने बड़े साइज चाहिए उतने बना लीजिएगा। इस तरह करके हम अब लड्डू बनाते जाएंगे। सारे के इस तरह हमने एक साइज के लड्डू बना लेने हैं, जितने जितने आपको चाहिए, जितने साइज के आपको बनाने हैं उतने बना लीजिएगा। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए हमारे लड्डू जो हैं तैयार हो गए हैं। और ये हमने टोकरी भी तैयार कर ली है। आप भी इस तरह टोकरी तैयार करके अपने प्यारों को ज़रूर गिफ्ट कीजिएगा। तो आप भी इस तरह बना के ज़रूर खाइएगा। अल्लाह हाफिज़।